ग्लोबल ऑल मीडिया एंटरटेनमेंट अलायंस फेडरेशन का चेयरमैन हूँ और ये फेडरेशन हम लोगों ने आपका नाम इकबाल अख्तर वाला ये फेडरेशन हम लोगों ने शुरुआत की है मैंने और दिलीप पिटवा वगैरह ने कि जो इस तरीके के मसले होते हैं वो जो वेस्टर्न इंडियन एक फेडरेशन है उसमें नई सुनवाई होती है इसलिए हमने फेडरेशन को शुरू किया है। अभी क्या मसला है जिससे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इसके बारे में बताओ। अभी मसला ये है कि एक वसीम रिजवी है जो यूपी के हैं और उन्होंने एक इससे पहले एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राम की जन्मभूमि जिसमें उन्होंने काफ़ी मतलब वायलेंस फैलाने के लिए और इस तरीके की मूवी बनाई थी कि दोबारा से राइट्स वगैरह हो। अब उन्होंने वो फिल्म जब नहीं कर चल सकी या नहीं रिलीज़ हो पाई प्रॉपर उसमें भी काफ़ी सीन्स ऐसे ही थे हिंदू मुस्लिम और शिया सुन्नी के गवर्नमेंट ने भी उसमें काफ़ी बैन लगाए और काफ़ी सेंसर से भी आउट किए। अब उन्होंने एक नई फिल्म अनाउंस की डिजिटल मीडिया के हिसाब से और उसमें कुछ टीज़र्स ऐसे डाले हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं और उससे सेंटीमेंट्स जो है रिलीजियस सेंटीमेंट्स को काफ़ी हर्ट कर रहा है और कहीं पर जाकर वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो वाइफ हैं हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन पर फिल्म बनाने की कोशिश की है जो एक सरासर गलत है क्योंकि उनके किरदार के अंदर इस दुनिया में दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। तो एक फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी एक्ट्रेस उस किरदार को तो वो तो क्या कोई पंचवक्ता नमाजी और परहेजगार होगी ना वो भी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बराबरी नहीं कर सकती। तो उसने ये बहुत बड़ी जुर्रत की है और दोबारा से वही सेम शिया सुन्नी के बीच एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है जो आगे जाकर बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने कंप्लेंट की ओशिवरा पुलिस स्टेशन में। ओशिवरा पुलिस स्टेशन ने उसी वक्त इंटरनेट के जो साइबर क्राइम है वहाँ पर लेटर वगैरह देकर उस टीज़र्स को तो बैन कर दिया और उसको हटा दिया है। लेकिन हमने अभी मांग की है कि उनके ऊपर FIR लिया जाए जो कई जगहों पर उनके ऊपर FIR हुआ है। सर ये फिल्म का नाम क्या उनसे कुछ बात करने की कोशिश की आपने तब की नहीं जैसे अगर बात करने से मामला नहीं उनको जब इतनी ये कॉन्ट्रोवर्सी हो गई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये जो टीज़र्स है ये मैंने नहीं किया हूँ मैंने 13 मिनट का टीज़र्स लगाया था और ये 17 मिनट का है मुझे 17 मिनट और 13 मिनट के टीज़र से कोई लेना देना नहीं है मुझे सिर्फ ये है कि आपने हज़रत आयशा सिद्दीका के ऊपर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर मतलब हम उनका नाम भी अगर लेते हैं ना तो बड़ी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त से लेते हैं कि उनके नाम के आगे हमें रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहना ही ज़रूरी है। तो आपने आयशा लिखा कैसे और उनके ऊपर फिल्म बनाने की इतनी बड़ी आपने जुर्रत कैसे की उस किरदार को मतलब वो किरदार का कोई सानी नहीं है दूसरा कोई हो ही नहीं सकता तो आपने इतनी बड़ी हरकत कैसे की। तो इसका मतलब सरासर आपका यही है कि आप सुन्नियों को ऊपर ला रहे हैं कि भाई आप भी आओ मतलब उनको गुमराह कर रहे हैं या उनको एक तरीके से उंगली कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है क्या दूसरी फिल्म बनाने के लिए और सब्जेक्ट नहीं है पहले राम की जन्मभूमि एक कंट्रोवर्शियल अब ये हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर तो क्या है ये तुम साबित क्या करना चाहते हो। आपने फिल्म देखी क्या फिल्म बिना नहीं टीज़र्स है ना मेरे पास टीज़र से बहुत नहीं लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए आप फिल्म कोई भी हो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर फिल्म नहीं बन सकती। अभी तो हमने पुलिस से मांग की है ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट से भी स्टे लाएंगे और वो फिल्म को बैन करेंगे क्योंकि इससे पहले भी द मैसेज फिल्म जो हॉलीवुड ने बनाया था उसमें भी ऑब्जेक्शन काफ़ी आए थे बैन हुई थी इंडिया में भी बैन हुई थी उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ साया इस्तेमाल किया गया उनको चेहरा मुबारक नहीं दिखाया गया। इन्होंने इतनी बड़ी हरकत कैसे की चाहे शिया हो सुन्नी हो या कोई भी हो कोई भी मुस्लिम वो कैसे कर सकता है गैर मुस्लिम नहीं करते ये चीज़ों को तो ये कैसे हो सकता है। आयशा हो सकता है आयशा किरदार का नाम हो नहीं हमने वो पूरा देख लिया है और उनका स्टेटमेंट भी है वो मेरे पास उनका स्टेटमेंट भी है स्क्रिप्ट मिला क्या आपको स्क्रिप्ट नहीं उन्होंने मुझे उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि ये हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है उनकी तीसरी बीवी के ऊपर मैंने फिल्म बनाया उनका खुद का स्टेटमेंट है मेरे पास है वो यूट्यूब पर है। सर
तो आपने जब उनको नोटिस भेजा था तो उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई आया? अभी तक हमने उनको नोटिस नहीं भेजा लीगल, अभी हमने काम किया सर पुलिस स्टेशन से। हम पहले चाहते हैं FIR, उसके बाद में कोर्ट के थ्रू ट्यूसडे तक नोटिस पहुंच जाएगा उनको। सर पहली बार हुआ ये सिलसिला कब शुरू हुआ कंप्लेंट का, अगर बात करें? ये कंप्लेंट का शुरू हुआ 4 दिन पहले से। पहले आप बताएंगे कैसे किसने पहले की और फिर ये? पहले तो यूपी से ही शुरू हुई और हैदराबाद से शुरू हुई, उसके बाद में बॉम्बे तक पहुँची। मैं समझता हूँ टाउन में भी कई लोगों ने किया हुआ है, यहाँ पर ओशिवरा में भी, मेरे अलावा कई और लोगों ने किया हुआ है। मैं तो एज ए जो बॉलीवुड का जितने भी एसोसिएशन है जो मेरे हाथ में है, मैं एक एज ए चेयरमैन इस पर एक्शन ले रहा हूँ कि बॉलीवुड, एक तो क्या है कि इस्लाम में बॉलीवुड हराम, तो एक हराम के अंदर तुम एक और काम कर रहे हो गलत, कि हज़रत आयशा सिद्दीका का किरदार आप डालकर एक मूवी बना रहे हो। क्यों, आपके पास दूसरी सब्जेक्ट नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं जाकर शिया सुन्नी और जो अभी माहौल चल रहा है, ये मॉबलिंग चल रहा है या जो भी चल रहा है, ये सब पर कहीं ना कहीं जाकर इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा और ये माहौल ख़राब होने वाली चीज़ है। तो क्या हम ये माने कि ये पब्लिसिटी के लिए, सस्ती पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं या? उन्होंने आज तक यही किया है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं जाकर गलत मैसेज तो जा रहा है। आप तो कई लोगों को के रिलीजियस का सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा आप एक अच्छे नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो गलत ही है। अगर आज मेरी माँ बहन के ऊपर अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है या हमारे नेताओं के साथ में कोई गलत इस्तेमाल करता है, अभी मूवी बनी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके ऊपर भी काफ़ी ऑब्जेक्शन आई थी कि उनके हकीकत क्या बताया हुआ है। संजू बाबा के ऊपर आई थी, उसके ऊपर भी आया था कि संजू बाबा का किरदार वो बराबर अदा कर सकता है या नहीं, तो ये कोई यहाँ की नहीं है, बराबर है, तो ये कोई दुनियावी लोग नहीं है, ये प्रॉफिट्स के लोग हैं। ओवरऑल होता है सर ये कि फिल्म को बेनिफिट हो जाता है अगर किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी तैयार हो जाती है, खड़ी हो जाती है? नहीं नहीं, हम तो ये फिल्म बनने, हम इंशाल्लाह ये फैन और फिल्म को बेनिफिट हो जाता है। नहीं, ये फिल्म जैसे वो राम की जन्मभूमि को भी आगे बढ़ने नहीं दी, गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया उसमें और काफ़ी वो चीज़ें निकाली, वो फिल्म दबके रह गई, ठीक है ना। अब ये फिल्म को भी हम लोग इंशाल्लाह इसको बनने नहीं देंगे और अगर बन गई है तो रिलीज़ होने नहीं देंगे। इसके लिए अगर कुछ आंदोलन भी करना पड़ा ना तो हम करेंगे। मेरे पास काफ़ी एसोसिएशन है, अभी नाम तो मुझे नहीं है लेकिन मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें मेरे पास है। नहीं, इम्पा वगैरह को हम हमारे पास इम्पा वगैरह नहीं होते, हमारे पास जो भीम है, जैसे क्या कहते हैं, लेबर है और मेकअप है, ऐसे सारे सब हैं। हाँ, उन्हीं का, हाँ उन्हीं का फेडरेशन है। और पॉलिटिकल नेताओं से कुछ बातचीत की है आपने इस बारे में? नहीं नहीं, मैंने पहला काम पुलिस स्टेशन का किया है, क्योंकि अगर मैं कहीं पर भी फ़ोन करता हूँ तो उसका असर गलत जाता है, क्योंकि एक मेरा नाम है पहले से इकबाल अत्तर वाला, एक पूरा ऑरा मेरा अलग है स्टार्ट से, तो कहीं वो जाकर वहाँ इफेक्ट नहीं करे कि थ्रेड का मैं वो कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरीके से पहले लीगल ही जो शुरुआत की है वो लीगल से कराऊँ और आगे भी लीगल कोर्ट के थ्रू इस फिल्म को बैन करूँगा। ओके, और अगर वो बैन करने से मना करते तो आपकी तरफ से क्या एक्शन होने? नहीं, मैं तो कोर्ट तो उसके ऊपर एक्शन लेगी ना, बिकॉज कोर्ट तो इन चीज़ों को मानती ही नहीं ना, वो तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए अलाउ ही नहीं करती हूँ। लॉ तो है ना हमारे पास, तो कैसे हो सकता है? इसके अलावा एक और मूवी है, एक और डायरेक्टर है जिसके ऊपर आप सेकंड कंप्लेंट डालने वाले हैं, डाल दी है? नहीं, मैंने डाल दिया हूँ। अब ये क्या हो गया है कि एक माहौल बन गया है पहले से कि गानों के अंदर अरबिक वर्ड इस्तेमाल करना। इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने, म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने और ख़ास करके मैं नाम लूँगा कि हिमेश रेशमिया ने काफ़ी अपने पॉपुलैरिटी के लिए इस्लामिक कुरानिक अरबिक वर्ड को इस्तेमाल किया हुआ है गानों के अंदर, इंशाल्लाह माशाल्लाह ये वो। अभी हाल ही में संजय लीला बंसाली जी एक फिल्म सलमान खान के साथ में बना रहे हैं जिसका टाइटल है इंशाल्लाह, मैंने उस पर भी अभी कंप्लेंट की है और वो टाइटल इंशाल्लाह मैं जो है वो उनको चेंज करने के लिए लीगल नोटिस भी इशू किया हूँ कि आप ये टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी अरबिक वर्ड, चाहे वो समझ लीजिए ना कि मैं सिर्फ अरबिक मुस्लिम्स के लिए नहीं कहता हूँ, कोई भी ऐसा वर्ड हो जो गैर मुस्लिम में भी हो या क्रिश्चियंस में हो या सिख में हो, आप उसको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर,
اس لیے کہ اب وہ انشاءاللہ ورڈ ہے, وہ اس کے آپ پوسٹرز لگاؤ گے, وہ پوسٹرز پھٹیں گے, وہ اللہ کا نام زمینوں پر ہوگا. تو جن کی عبادت ہم کرتے ہیں, جن کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں, ان کے لیے تو یہ سب نہیں کرنے دیں گے. آج اگر کوئی بھی چیز کا ہے کہ ایک اچھا نام ہے, جیسے اور بھی ریلیجیز میں ہے, عیسائی علیہ السلام ہے, رام ہے, اور بھی لوگ ہیں, تو اگر یہ سب سارے نام اگر یہ پیروں کے اندر آتے ہیں تو یہ تو بے حرمتی ہے. تو جن کو آپ گاڈ مانتے ہو, جن کو آپ بھگوان مانتے ہو, جن کو آپ یہ مانگتے ہو, ان کو آپ پیروں میں کیسے لا سکتے ہو؟ جن کی آپ عبادت کرتے ہو, جن سے آپ مانگتے ہو, تو آپ اپنی ضرورت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے نہ ان کو. خاص کر کے بالی ووڈ کے اندر تو یہ میں ابھی یہ لاؤں گا ہی کہ بالی ووڈ میں آپ استعمال نہیں کر سکتے, جہاں پر ہمارے لیے حرام ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ بالی ووڈ حرام, اس میں آپ خاص کر کے عربک ورڈ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے لیے کورٹ ہو, کچھ بھی ہو, وہ ہم جو بھی راستہ اپنانا پڑے گا وہ اپنائیں گے. دیکھیے سلمان خان ہو, اس سے پہلے بجرنگی بھائی جان کی, بجرنگی جو ہے ہندو دھرم کے حساب, وہ دیکھیے وہ بھی آبجیکشن لینا ہی چاہیے تھا. بجرنگی جو ہنومان کا نام, بالکل وہ لینا چاہیے تھا, اس پر بھی آبجیکشن آنا چاہیے تھا, اس وقت میں نہیں تھا. دیکھیے کسی نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے کے رکھا ہوا ہے کہ اگر میں اقبال اتر والا ہوں تو میں فلانا نام یوز کر سکوں گا. میں سب کے لیے لڑوں گا اس طریقے کی. میں بتایا نا کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی سینٹیمنٹل, اگر وہ ریلیجیس کو سینٹیمنٹس کرتا ہے تو میں اس کو بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچائے گا, تو میں اس کے لیے ایز اے فیڈریشن کھڑا ہوں گا, ضرورت پڑی تو ایز اے اقبال اتر والا بھی کھڑا ہوں گا. نہیں دیکھیے سلمان خان اس سے پہلے جتنی فلمیں ان کی, اس میں کئی گانے ان کے بھی ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ اور وہ سب ہیں. تو اب یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں اللہ کے نام لے کر ناچ رہا ہوں, تو یہ ان کو سوچنا چاہیے نا کہ یہ آپ خود اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کیا کر رہے ہو. اس سے پہلے ایسے لوگ جب پروموٹ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو تو کہیں نہ کہیں اثر پڑتا ہے. بالکل اثر پڑتا ہے, یہ اثر کا یہ تو یہ ہے, یہ آہستہ آہستہ لوگوں کو موقع ملا ہے جو آج یہ ٹائٹل بھی انشاءاللہ آ گیا, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ لوگوں کو چانس ملنا شروع ہو گیا. بیچ میں خان فیملی پہ انگلی اٹھی تھی کہ گنپتی رکھتے تھے کہ ان کو دم سے نکال دیا جائے, بیچ میں کافی پہلے کی بات ہوا بھی جاری ہوا تھا. ہاں دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں, سلمان خان کے یہاں پر صرف سلمان خان, ان کی ممی بھی ہے, ان کی بہن بھی ارپیتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی بھابھیے ہیں, وہ غیر مسلم ہیں, انہوں نے اسلام اپنایا نہیں, تو وہ اپنا رکھ سکتے ہیں وہ, کیونکہ وہ ان کا وہ ریلیجیس وہ اپنے گھر میں بالکل استعمال کر سکتے ہیں, اس سے سلمان خان کے اوپر کوئی بھی وہ نہیں جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو مزہ لینے والے بیچ میں, دیکھیے یہ لوگوں کا کام ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میرے گھر میں اگر میری وائف ہے, اگر وہ اپنا دھرم اپنے اس میں یوز کر رہی ہیں, تو اس سے میرا نام نہیں آئے گا. شاہ رخ خان ہے, ابھی گوری ہے, تو گوری اپنا وہ بھی رکھتی ہے نا, سب رکھتے ہیں نا, کیوں سلمان خان, وائی سلمان خان کے اوپر ہی کیوں انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ آپ فتویٰ جاری کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو سوچو. فتویٰ تو ایسا نہیں ہے, فتویٰ کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہے جو, اور ہر کوئی فتویٰ جاری نہیں کر دیتا ہے, اور اگر آپ فتویٰ جاری کرتے ہو تو اس کو پوری طریقے سے اس کے بھی کچھ فارمیلٹیز ہیں جس کو آپ کو پورا کرنا ہوگا کہ میں نے اٹھایا فتویٰ جاری کر دیا, تو کیا فتویٰ جاری کر کے کیا کیا آپ نے؟ دیکھیے ہمارے اسلامک قانون میں صرف یہی ہے کہ آپ نے اگر تین جمعہ کی نماز چھوڑ دی تو پہلے تو آپ اسلام سے خارج ہو گئے, بات ہی وہاں پر ختم ہو گئی. اب آپ دوبارہ کلمہ پڑھو, دوبارہ سنت کرو, اس کے بعد میں آپ اسلام میں آؤ گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس کو آپ فالو کرتے ہو کیا؟ کون آدمی ہے, کون سا ایسا اتنا بڑا مسلمان ہے جو تین نماز جمعہ کی نہیں چھوڑتا ہے؟ کیوں فتویٰ جاری نہیں کرتے آپ لوگ؟ یہ دیکھیے میں ایک, ہاں یہ لوگوں کی ایک وہ بن جاتی ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے وہ پکچر بنائی تھی, کیا نام اس کا, ہاں اس کے اوپر تو وہاں پر بھی ان کی مار پٹائی ہوئی. اب وہ مطلب ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی کو ٹھیس پہنچانا اور اس کی پبلسٹی لینا. لوگ کہتے ہیں کچھ کروایا ہے, کچھ کہتے ہیں, دیکھیے وہ
खुद करवाया होगा तो कोई भी मार, देखिए ऐसा है ना कि मैं अगर एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हूँ तो कोई मुझे लाफा मार कर जाएगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा और मैं अपने आप को किसी से लाफा नहीं खिलवाऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुँची है, उन्होंने एक्शन लिया, अब ये नया काम आ गया। अब ऐसा है कि आप हर एक दरवाज़ा खटखटा रहे हो, अब जाकर आपने मुसलमानों का दरवाज़ा खटखटा दिया कि भाई इंशाअल्लाह कर दिया, तो आज तो आप इंशाअल्लाह पे आ गए, वो आयशा पे आ गए, कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ जाएंगे। क्या स्टोरी बची नहीं है आपके पास? तो वही तो बोल रहा हूँ, क्या टाइटल नहीं है आपके पास? हाँ, क्या स्टोरी नहीं है आपके पास? आप बॉलीवुड में बताना क्या चाहते हो? ये मास पब्लिक के लिए ये तरीका है क्या? पहले की फिल्में सुपरहिट नहीं होती थी? साफ सुथरी फिल्में बनती थी ना पहले भी, इससे पहले भी, तो क्या सुपरहिट नहीं हुई? सुपर डुपर हिट हुई। लेकिन इकबाल जी, आजकल जमाना बदल गया है, डिजिटलाइजेशन और हर चीज़ डिजिटल पे आ चुकी है, जो फिल्मों में अश्लीलता नहीं दिखाई जाती थी आज धड़ल्ले से उससे 100% ज़्यादा परोसी जाती है वेब सीरीज के जरिए। अगर इसकी जगह कोई वेब सीरीज बना तो उस पर क्या एक्शन लेते आप? देखिए, अगर वेब सीरीज भी बनती है, देखिए वो सेंसर से बाहर होती है, हम सेंसर तक भी रोक सकते हैं, लेकिन वेब सीरीज पर भी लॉ किसी के लिए भी नहीं है, ऐसा कानून तो है सबके लिए है, वेब सीरीज के लिए कानून नहीं, ऐसा नहीं है। वेब सीरीज को भी रोका जा सकता है अगर उसके अंदर गलत चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन अश्लीलता के ऊपर हमारे ऊपर नहीं बनता है, वो एक एनजीओ को बनता है कि वो उसके ऊपर एक्शन ले। मेरा अभी नेक्स्ट वीक में, जब तक ये FIR हो जाएगा तो मैं एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा, और नेक्स्ट वीक में अगर हमें सही रिप्लाई नहीं मिलता है कहीं से तो हाई कोर्ट हम मुँह करेंगे, और उसकी तैयारी कर चुके हम लोग। आपने किसी के जरिए बात पहुँचाई? जैसे आपने बोला अगर मैं फ़ोन करूँगा और बोला जाएगा इकबाल ने फ़ोन किया। हाँ, नेचुरली इकबाल अतरवाल ने फ़ोन किया मुझे, मेरे पुराने पूरे डेटा लेकर पहुँच जाएंगे पुलिस स्टेशन। हाँ, इकबाल अतरवाल को दोबारा जागरूक करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, इससे पहले भी मैंने कई चीज़ें, अभी इससे पहले भी मैंने जो ये पुलवामा हुआ था उसके बाद में जितने पाकिस्तानी गाने जिन लोगों ने गवाए थे, मैंने सलमान भाई के इधर भी नोटिस इशू किया था, गाने निकल गए थे। देखिए, ये हमारी इंसानियत हमारे अंदर होना चाहिए, देशभक्ति हमारे अंदर होना चाहिए कि आप पाकिस्तानी गानों सिंगर्स को बुलाकर यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, वो यहाँ से पैसे ले जा रहे हैं वहाँ पर, आप सिर्फ किस लिए कर रहे हैं कि वो सस्ते में आ रहे हैं और बड़ा नाम मिल जाए? कि वो हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है? वो गानों को भी मैंने नोटिसेस मार मार के और कम करवाया हूँ, और अभी मैं सब में बड़ा स्टेप यही उठा रहा हूँ कि जितने लोगों ने पाकिस्तानी सिंगर्स और आर्टिस्ट लोगों को अपनी फिल्मों में लिया है, मेरा नोटिस अभी उनको जा रहा है कि भाई आपने इनके अंदर ये देखा था क्या कि इनके पास वर्क परमिट है या नहीं है, तो किस बेस पे आपने ये किया? अभी मैंने कदम उठा लिया है। मैं अभी तक एक साल से खामोश बैठा हुआ था, लेकिन अभी मैंने कदम उठा लिया है। अब मैं एक एक करके, अभी रेशन लड़कियां हैं जो यहाँ पर बिना कार्ड के काम कर रही हैं, अभी उनके ऊपर हम रेड मारेंगे, पहले उनको हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे डांसर्स को काम नहीं मिल रहे। मुझे कौन सी फेडरेशन, कौन सी एसोसिएशन, उससे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी फेडरेशन और अपने लोगों के लिए लड़ाई कर रहा हूँ कि जो जिन लोगों को घर में बिठा दिया गया है और दादागिरी चल रही है। नहीं नहीं, मैं तो कोर्ट से उसके ऊपर एक्शन लूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट मुझे उसमें पूरा सपोर्ट करेगी और सहायता देगी, और मैं ये विन करूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अगर कोई जुड़ता है तो वेलकम, और नहीं आता है तो मैं अकेला काफी हूँ। बस मेरा मैसेज यही है हर किसी को कि आप जो भी फिल्में बनाएं अच्छी बनाएं, लोगों के लिए अच्छी चीज़ें बनाएं जिससे एक मैसेज मिले, जैसे साउथ इंडियन बनाते हैं, उसमें कहीं पर भी आप देखो वो लोग कितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं धार्मिक, लेकिन कहीं पर भी एक वर्ड या एक चीज़ किसी को हर्ट करने वाली नहीं होती है। तो आप मेहरबानी करके इसको मेरी रिक्वेस्ट समझें, अपील समझें कि कोई भी किसी भी तरह की, चाहे वो मुस्लिम रिलीजियस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और धर्म से रिलेटेड हो, इस चीज़ को आप बायकॉट करें, और अगर कोई करता भी है तो उसको आप लोग मनाई करें, ये आपकी इंसानियत गिनी जाएगी और दूसरे के लिए एक अच्छाई और इज्जत गिनी जाएगी आपके लिए। आपके हाथ में कुछ कॉपी है, दिखाना चाहिए क्या है? ये मैंने कंप्लेंट की हुई है, ये वसीम रिजवी की है, दोनों
जो ओशूरा पुलिस स्टेशन के अंदर है, इसमें आपने इसमें मैंने उनके लिए वो जो जो चीज़ें लिखनी है एज ए लीगल वो किया हुआ है, ये संजय लीला भंसाली साहब के ऊपर है। हाँ बिल्कुल, पुलिस स्टेशन का स्टैंप है, बिल्कुल है। और ये हाँ ओशूरा अभी ACP DCP वगैरह सब कुछ चली गई है, और होम मिनिस्टर को यहाँ पर सब जगह पर मैंने दी हुई है, सबको मेल कर दी हुई है, डिस्पैच कर दी हुई है। तो इसका कहीं ना कहीं तो मुझे उम्मीद है कि ये इन तरीके की जो चीज़ें चल रही है इसमें सपोर्ट मिलेगा मुझे।